डोंगरगांव से भाजपा प्रत्याशी भरत वर्मा लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी भरत वर्मा ने स्थानीय विधायक दलेश्वर साहू को निशाने पर लेते हुए कहा कि दलेश्वर साहू ने क्षेत्र में विकास का कोई काम नहीं किया है, इस बार डोंगरगांव विधानसभा में बदलाव जरूर होगा। डोंगरगांव से भाजपा प्रत्याशी भरत वर्मा लगातार लोगों के बीच पहुंचकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। स्थानीय विधायक दलेश्वर साहू पर हमला बोलते हुए भरत वर्मा ने कहा कि दलेश्वर साहू ने क्षेत्र में विकास का कोई काम नहीं किया है, न क्षेत्र में सड़क है और न ही पेयजल की सुविधा। इस बार जनता ने मन बना लिया है कि डोंगरगांव विधानसभा में बदलाव करेगी और यहां भाजपा की जीत होगी। सब लोग देख रहे हैं, 10 साल से यहाँ के डोंगरगांव विधानसभा के मतदाता ने लगातार उनको आशीर्वाद इसने दिए, लेकिन दुर्भाग्य क्षेत्र के जो विधायक है 10 साल से क्षेत्र में एक भी सड़क का निर्माण नहीं है, जर्जर स्थिति है, पेयजल की कोई साधन नहीं है, सिंचाई के लिए कोई साधन की व्यवस्था नहीं है। आज आप अस्पताल की व्यवस्था देख यहाँ देख सकते हैं नगर पंचायत में, उसका माली हालत ख़राब है। पेयजल की व्यवस्था देखते हैं, एनीकट जो उनके गलत निर्णय के कारण आप एनीकट के चाबी अपने निवास में रखने के कारण एनीकट टूटने से आज पेयजल की समस्या है, अनेक समस्या इस क्षेत्र में है। नगर पंचायत में बाजार के व्यवस्थापन के विषय हो, सेकंड फेज के व्यावसायिक परिसर के निर्माण की व्यवस्था, ऐसे अनेक विषय को लेकर नगर पंचायत में साफ सफाई पेयजल की व्यवस्था को लेकर नगर पंचायत के मतदाता भी परिवर्तन और बदलाव के मूड में। फिर है रण की तैयारी, कौन है किस पर भारी, हर तरफ बेरोजगारी, किसकी है ये जिम्मेदारी, हम दिखाएंगे सिर्फ सच हर रोज दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।